तो गाइस अब वहाँ से प्रेम की 3 के ऊपर रिएक्शन आ गया है, जहाँ से आने की किसी ने उम्मीद भी नहीं रखी थी। जी हाँ गाइस, अनन्या पांडे की ओर से। वहीं अभी के टाइम में कुछ सेलिब्रिटी बॉलीवुड से प्रेम की 3 को अच्छी फिल्म बता रहे हैं, तो वहीं अनन्या पांडे ने कुछ उटपटांग ही बोल दिया है प्रेम की 3 के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि अब अनन्या पांडे ने क्या बोल दिया है प्रेम की 3 पर। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अभी ही कर दीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम प्रेम की 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम की 3 के सामने एक नया ट्विस्ट आ गया है, तो उस पर बात करना तो बनता है ना। तो अगर प्रेम की 3 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो मात्र 5 दिनों में ही ये फिल्म करीब 18 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, और आज तो 6ठा दिन है ही। अब 6ठे दिन का कलेक्शन कितना हुआ है ये तो कल ही पता चल सकता है। तो गाइस बताया जा रहा है कि ये फिल्म नेपाल का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपडेट्स के मुताबिक बता दे कि नेपाल की एक फिल्म है कबड्डी 4, वो अब तक की नेपाल की सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली फिल्म है, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन है 22 करोड़ रुपए। लेकिन अगर दर्शकों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे तो 2 दिनों में ही अब प्रेम की 3 उस फिल्म की भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब ये फिक्स ही है कि और 2 दिन बाकी है फिर प्रेम की 3 नेपाल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। और अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म अभी तक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी बन चुकी है। खैर अब चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। तो गाइस बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे वो एक्ट्रेस हैं जिनके एक्टिंग से आज तक दर्शक इम्प्रेस ही नहीं हो पाए हैं, लेकिन इतने सारे फ्लॉप होने के बावजूद भी ये हमेशा मीडिया में इतने चर्चे में कैसे रहती है, और इनको हरदम बड़ी बजट की बॉलीवुड फिल्में क्यों ऑफर होते हैं, ऐसा आप भी कभी ना कभी जरूर सोचे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ किस लिए। दरअसल ये मीडिया में अपना नाम चमकाने के लिए कुछ आलतू फालतू स्टेटमेंट भी देते रहती है, और अब की बार अपने नाम को चर्चे में लाने के लिए प्रेम की 3 को टारगेट किया है, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली मीडिया के सामने इंटरव्यू के दौरान प्रेम की 3 को बोल दिया कि पता नहीं क्यों ऑडियंस कैसी भी फिल्में देखने लगती है, वहीं बॉलीवुड की अच्छी अच्छी फिल्मों को भी बायकॉट मार देती है और लो बजट वाली बाहर की फिल्में भी देखने लग जाते हैं हिंदी ऑडियंस, और इधर इतनी लो बजट वाली नेपाली फिल्म को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं जो कि एक दिन भी थिएटर्स में चलने के लायक नहीं है। तो गाइस हमने भी कहा था ना कि रिलीज के बाद बॉलीवुड को जलन जरूर होगा प्रेम की 3 का कलेक्शन देख के, लेकिन फिर भी बहुत कम सेलिब्रिटी ही ऐसे बोल रहे हैं। बाकी सारे सेलिब्रिटी तो प्रेम की 3 को अच्छा ही फिल्म बता रहे हैं और प्रेम की 3 को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।